जनार्दन मिश्रा ने प्रचंड जीत के बाद जनता का आभार व्यक्त करने के लिए किया रोड शो। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्रचंड जीत हासिल की। रीवा से तीसरी बार जनार्दन मिश्रा सांसद के रूप में चुने गए, जिस पर उन्होंने रीवा की जनता का आभार व्यक्त किया। जनता का आभार जताने के लिए उन्होंने सिरमौर चौराहे से भाजपा कार्यालय तक रोड शो किया। जनता के अपार समर्थन व उत्साह को देखते हुए उन्होंने कहा, रीवा की जनता भारतीय जनता पार्टी व विकास के साथ है। मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 लोकसभा सीटें जीतकर फिर से एक नया कीर्तिमान रच दिया है। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शून्य की ओर लगातार बढ़ रही है, उसे अपने अस्तित्व की चिंता करनी चाहिए। रोड शो के दौरान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जिला अध्यक्ष अजय सिंह, राजेश मिश्रा, दिव्यराज सिंह, नरेंद्र प्रजापति, प्रबोध व्यास, श्यामलाल द्विवेदी सहित भाजपा के हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। हमने नहीं, जनता ने दिलाया है। अभी तो सबसे पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन है, उसको पूरा करना, हवाई जहाज चलाना है और ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाना है, गोविंदगढ़ के आगे रेलवे को ले जाना है। बाकी नल जल का मामला है, हर घर को नल से जोड़ने का मामला है। उस काम को वो जो पैसा 3,600 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के चलते उसमें उतना अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है, प्रगति नहीं हो पाई है। उस काम को आगे बढ़ाते हुए उसको पूर्णता की ओर ले जाना है। रीवा लोकसभा में 9 लाख एकड़ जमीन को सिंचित बनाना है, 3 लाख एकड़ जमीन सिंचित है, 3 लाख एकड़ सिंचाई का काम शुरू है, 3 लाख एकड़ के लिए जेसीबीया तैयार है, उसको आगे बढ़ाना है। रीवा से मिर्जापुर वाया हरमना रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, उस काम को आगे बढ़ाना है। ये सारे काम पड़े हुए हैं तो आगे बढ़ाएंगे। इसकी कोई चूक नहीं है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इसमें विपक्ष मुगालते में था, उनके पास पैसा था, पैसे के बल पर वो सोचते थे कि हर आदमी को खरीद करके हम चुनाव जीत लेंगे, तो ये उनका पैसा बोल रहा था, इसका परिणाम उनको सामने मिला है। शून्य नहीं रहेगी उनका जो आचरण है, काम है, वो शून्य नहीं रखेगा उनको। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद ही ये तय हो गया था, जिस प्रकार से 163 सीट भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आई, उस समय ही माहौल दिख रहा था कि हम 29 सीट जीतेंगे और उसी का परिणाम निकला है कि वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद भी हम 29 सीट विजयी हुए हैं। तो मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कमल का फूल होता है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता, चाहे वो पेज का प्रमुख हो, चाहे हमारे बूथ के हो, शक्ति केंद्र मंडल या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है। निश्चित तौर पर 1,93,000 से ज़्यादा मतों से जीत हुई है, जहाँ की वोटिंग परसेंटेज 50% से भी कम रहा है। निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है और देश के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का परिणाम है कि आज हम भारी बहुमत से जीत हुई है। मुझे लगता है कि इस बार ईवीएम में छेड़खानी ऐसा कोई आरोप मुझे कल से भी सुनने को नहीं मिल रहा, जब से मतगणना प्रारंभ हुई है और तब से लेकर अभी तक मैं कई चैनलों को देखा, यह जो विपक्ष है या कि जो कांग्रेस मृत प्राय थी उसको अभी संजीवनी थोड़ा मिली है, इनके पास कोई जनता को फेस करने का मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा विहीन हो चुके थे। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा होता था, ईवीएम। अब हमको लगता है कि अब आप उनसे पूछिए कि ईवीएम अब कैसे सही हो गई। नहीं तो आदमी जब किसी भी कंपटीशन में जाता था, ये थोड़ा ना कहता कि मैं 50% के लिए जा रहा हूँ, हम तो प्रयास करते हैं 99.9% के साथ हो, और फिर अब जितनी मेहनत होती है उतना परिणाम आता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस मुक्त भारत में नहीं, पूरी इस देश के 140 करोड़ जनता चाह रही है और जो जनता चाह रही है, जनता के इच्छाओं का पूरा सम्मान करना हमारा काम है। इस बार ऐसा चुनाव है कि दोनों पार्टी खुश है, कांग्रेस भी खुश है, बीजेपी भी खुश है कि हम जीत गए
निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हैं, वो भी खुश है, सबको खुश रहना चाहिए।